जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि आप सभी का गुरु रजनीश ऋषि जी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां आज की चर्चा का विषय है कि सितंबर 2022 का महीना आप सभी लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। सितंबर 2022 में तीन मुख्य ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन में हर क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए इसकी विस्तार से चर्चा आज के हम इस प्रोग्राम में करेंगे। ये राशि परिवर्तन शुभ नहीं है भक्तगणों, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कुछ उपाय भी करने की यहाँ पर जरूरत है जो मैं इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं इस प्रोग्राम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आपके जीवन के सभी जरूरी क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से की जाती है, फिर वो चाहे आपकी इनकम हो, जॉब की पोजीशन हो, यहाँ पर आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, साथ साथ शादी विवाह के क्या योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के क्या योग बन रहे हैं, पढ़ाई के संदर्भ में स्टूडेंट्स कैसा महसूस करेंगे, कैसी उनकी प्रोग्रेस रहने वाली है, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा है, घर मकान माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है, ये सभी चर्चा हम इस प्रोग्राम में करते हैं और ये सभी आपके हितों के लिए की जा रही है। तो भक्तगणों, सभी बातों को जानने के लिए अंत तक हमारे इस वीडियो में आप जरूर बने रहें। साथ साथ मैं आप सभी के लिए जनता दरबार की जो सूचना है उसको दोहराना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा। ये जो जनता दरबार है भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों के अनुरोध पर शनि पीठ मंदिर में लगाया जा रहा है, जहां पर मुफ्त में हम अपने सभी भक्तगणों को जीवन में आ रही हर परेशानी के उपाय बता रहे हैं। यहाँ पर एक रुपया भी फीस में आपसे नहीं लिया जा रहा है और हर गुरुवार, हर शनिवार, हर रविवार को ये जनता दरबार आप सभी भक्तगणों की सुविधा के लिए शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में लगाया जा रहा है। यदि आप मुझसे मिलकर अपनी परेशानी के उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस जनता दरबार में रविवार के दिन पर शिरकत कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये जनता दरबार आपके लिए लगाया जाएगा। भारी से भारी संख्या में आकर इस जनता दरबार की जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों को ज्योतिष के अति वैज्ञानिक शास्त्र के माध्यम से, उसकी विद्या के माध्यम से मैं आपकी मदद करने का संपूर्ण प्रयास जरूर करूंगा। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्ञान गंगा जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर 2022 का ग्रह गोचर किस प्रकार रहने वाला है, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पूर्व मेष राशि के भाव में राहु देवता विराजमान है। इसके बाद पूरे महीने राहु देवता यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। फिर हम आगे चलते हैं वृषभ राशि में, जिसके मालिक शुक्र हैं और शुक्र की राशि में मंगल ग्रह पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा भाव मुख्य ग्रहों से इस महीने वंचित रहने वाला है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि सिंह राशि का भाव है, जिसमें सूर्य देवता
17 तारीख तक यहां पर गोचर कर रहे थे अपनी ही राशि में, परंतु इनका राशि परिवर्तन होने वाला है और 17 तारीख के पश्चात ये कन्या राशि में आकर निवास करने वाले हैं। वहां पर शुक्र देवता भी पंचम भाव में ही महीने की शुरुआत में निवास कर रहे थे, जो कि 24 तारीख को यानी कि 24 सितंबर से यहाँ पर अपनी नीच राशि कन्या राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब ये एक खराब संकेत है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पहले तो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, वहीं पर उनके शत्रु सूर्य देवता भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं। तो ये दोनों मिलाकर आपके लिए एक अशुभ संकेत दिखा रहा है। यहाँ पर कन्या राशि में छठे भाव में बुध देवता, जो कि अपनी उच्च राशि में विराजमान थे, वो 10 तारीख से यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक शुक्र देवता का नीच भंग नहीं होगा। जब तक नीच भंग नहीं होगा तब तक आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे चर्चा को बढ़ा रहे, बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में चंद्रमा और केतु दोनों ही ग्रह विराजमान है। इसमें केतु तो पूरे महीने यहाँ पर तुला राशि में विराजमान रहने वाले हैं, परंतु चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और यहाँ पर परिवर्तन करके महीने के अंत में वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में यहाँ पर 1 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो नवम भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है। इसके बाद शनि दशम भाव में विराजमान है, मकर राशि में, अपनी ही राशि में, परंतु वो वक्री अवस्था में। इसी प्रकार 11वां भाव, जो कि कुंभ राशि का भाव है, मुख्य ग्रहों से वंचित है। और 12वां जो भाव है, जो कि मीन राशि का भाव है, वहां पर बृहस्पति इस पूरे महीने विराजमान है। वैसे तो ये अपनी ही राशि में विराजमान थे, परंतु इस समय पे ये वक्री चल रहे हैं और इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से होने वाला है। तो भक्तगणों, यहाँ पर जो सबसे खतरनाक स्थिति जिसका निर्माण हो रहा है वो सूर्य शुक्र और वक्री बुध का कन्या राशि के अंदर जो गोचर इस महीने के मध्य से शुरू होगा, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने वाला समय साबित होने वाला है। और इस समय पर कौन सा उपाय आपको करना है, इसकी विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में हम करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चलिए भक्तगणों, अब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे मेष राशि की इनकम की दृष्टि से समय कैसा रहने वाला है यहाँ पर सितंबर 2022 में। तो सबसे पहले इसके लिए कुंडली के 11वें और द्वितीय भाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 11वें भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि से 12वीं राशि यानी कि मकर राशि में इस समय पर स्थित हैं, और ये स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में। वैसे तो ये दर्शा सकते थे कि आपके लिए विदेशों से धन आ सकता था, परंतु विशेष तौर पर जिनके क्लाइंट्स फॉरनर्स हैं उन लोगों को इस समय पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी विश्व में मंदी जैसे हालातों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, और ऐसे में विशेष तौर पर विदेशों से आने वाला जो आपके पास धन था उसमें कहीं ना कहीं मुझे अड़चनें दिखाई दे रही हैं। वो डील्स कैंसिल हो सकती हैं, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कैंसिल हो सकते हैं, कस्टमर्स यहाँ पर थोड़े से कंजूस बन सकते हैं पैसा खर्च करने में, नए प्रोजेक्ट्स को आपको देने में, जिससे आपकी आमदनी के सोर्स पर परेशानी आ सकती है। इसी प्रकार अगर मैं मंगल को देख रहा हूँ, जो कि द्वितीय भाव में यहाँ पर स्थित हैं, शुक्र के घर में यहाँ पर स्थित हैं। अब ये मंगल
अपनी ही राशि से द्वितीय राशि में समय पर विराजमान हैं, आपके धन भाव में स्थित हैं, तो ये तो दिखा रहे हैं कि आपका जो ध्यान है वो इस समय पर अपनी सेविंग्स की ओर लगा हुआ है कि कैसे अपनी सेविंग्स को बढ़ाया जाए और इन चुनौतीपूर्ण हालातों में भी आप हार नहीं मानेंगे, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर आप इन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी, यानी कि कम कस्टमर्स के आने के बावजूद भी अपने बिजनेस को हर प्रकार से सही रूप से चला पाने में अपने आप को समर्थ महसूस करेंगे। मंगल यहाँ पर आपकी इतनी मदद जरूर करेंगे, यहाँ पर वो विराजमान है द्वितीय भाव में। तो प्रैक्टिकल डिसीजंस के माध्यम से अपनी सेविंग्स का सही प्रयोग करते हुए आप अपने बिजनेस को इस कठिन समय में भी उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं आने देंगे। आगे की चर्चा को बढ़ा रहे हैं, बात करें कर्मों की दृष्टि से फिर समय कैसा है यहाँ पर मेष राशि के जातकों को। तो देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जब कर्मों की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे दशम भाव की और दशम के स्वामी की। दशम के स्वामी हैं आप लोगों के लिए शनिदेव, और शनिदेव अपने ही घर में विराजमान है परंतु वक्री अवस्था में, तो अब इसका एक मिला जुला प्रभाव आता है। जिन भी जातकों की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में विराजमान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ स्थान में विराजमान है, अपनी उच्च राशि में है, उनको इस समय पर अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। शनि की नजदीकी जब पृथ्वी से बढ़ जाती है उस समय पर शनि वक्री चले जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में वो उल्टे चल रहे हैं, यानी कि शनि का जो प्रभाव है वो आपके जॉब के क्षेत्र में बहुत दिखाई देने वाला है। और जिनकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, परंतु जिनकी कुंडली में विपरीत शनि की दशा चल रही है, जो जिनकी कुंडली में विपरीत दशा में शनि विराजमान है, विपरीत ग्रहों घरों में विराजमान है, अपने शत्रुओं के साथ विराजमान है या फिर अपनी नीच राशि में विराजमान है, उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी नौकरी जा भी सकती है। तो एक तरफ तो ये शनि आपको फायदा भी पहुँचा सकते हैं जिनकी भी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हैं, वहीं जिनकी कुंडली में शनि खराब है उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, और कोई अशुभ सूचना जैसे कि जॉब छूटना भी आपके साथ घटित हो सकता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, इस समय पर बहुत आवश्यक है, और ये जानने का प्रयास करें कि शनि आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, क्योंकि शनि इस दशा में अभी कुछ और महीने रहने वाले हैं। ये 4-5 महीने शनि ऐसे ही रहेंगे, जनवरी 2023 तक लगभग शनि इसी प्रकार वक्री अवस्था में दशम भाव में विराजमान है। मेष राशि के जातकों को विशेष तौर पर कर्म क्षेत्र पर व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द अपने लिए शनि से संबंधित उपाय आप जरूर प्राप्त करें। और ये शनि की जो विपरीत दशा है, जुलाई 2022 से शुरुआत हुई थी इसकी, आपके जीवन में इसकी वजह से परेशानियां आना शुरू भी हो गया होगा, तो जो भी जातक महसूस कर रहे हैं कि उनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या जॉब छूट गई है या फिर प्रमोशन में अड़चने आ रही है, वो मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से शनिपीठ मंदिर में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा के ऐसे उपाय प्राप्त कर सकते हैं जिनसे निश्चित तौर में आपके ऊपर आ रही इन परेशानियों का अंत हो सकता है। तो बिल्कुल भी विलंब ना करें, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जल्द से जल्द कराएं। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे
जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है, जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे, उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक, जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सके। इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है, उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी चीज के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं, वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र से पाठ पति से जागृत, जिसे मैं स्वयं करता हूं, उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है, एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम जवाहर गुप्ता है, मैं मुकुंदपुर में रहता हूँ। मैं गुरु माँ का वीडियो देखा था मोबाइल पे, मैं आया था यहाँ
मिलने के लिए, मिल के मेरे को बहुत तसल्ली हुआ, सुख शांति मिला, अच्छा है। बोले थे कि मैंने फ्री में देखा जाएगा गुरुवार को, तो मैं गुरुवार को ही आया, तो फ्री मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया गया, अच्छे से बताया सब चीज़, संतुष्टि हुआ, यहाँ आके मेरे को अच्छा लगा। गुरु महाराज से मिलने के बाद मेरे को संतुष्टि आया, आत्मा में शांति हुआ कि नहीं सही चीज़ है, कोई फ्रॉड काम नहीं है, अच्छा है, मेरे को मिल के संतुष्टि हुआ। जय शनिदेव। आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं, बात करेंगे भाग्य की, तो भाग्य के लिए हम लोग यहाँ पर नवम भाव का अध्ययन करेंगे। नवम के स्वामी बृहस्पति इस समय पर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हैं। बृहस्पति पे इस समय पर अगर हम लोग दृष्टि देखें कि कौन से ग्रहों की पड़ रही है, तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र जो कि राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं वो बृहस्पति पे अपनी दृष्टि डालेंगे। बुध यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान थे, महीने की शुरुआत से 10 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे, उनकी भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे अगर अन्य ग्रहों की बात करें तो शनि की तृतीय दृष्टि भी यहाँ पर बृहस्पति देवता के ऊपर पड़ रही है। तो इन सब से साथ साथ थोड़ा सा ये भी अध्ययन कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन से ग्रहों की जो दृष्टि है वो नवम भाव में पड़ रही है। तो उसमें एक ग्रह तो यहाँ पर राहु ग्रह है और दूसरा मंगल देवता, दोनों की जो दृष्टि है वो यहाँ पे आपके भाग्य के जो भाव है यानी कि नवम भाव है वहां पर बढ़ रही है। अब मंगल क्योंकि आपके लगन स्वामी है तो ये भाग्य को मजबूती देंगे। अब राहु के अगर हम लोग देखें तो इस समय पे लग्नस्थ हैं, लग्न स्थान में स्थित हैं, तो इस समय पर उनसे भी आपको आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे हम लोग आगे और ग्रहों पर अगर हम लोग दृष्टि डालें तो यहाँ पर सूर्य क्योंकि पंचम के स्वामी है वो बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो बृहस्पति तो सूर्य का आशीर्वाद या सूर्य की दृष्टि प्राप्त करके अपने आप को और मजबूत महसूस करेंगे, तो ये भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। यहाँ पे शुक्र और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी आपके भाग्य पर, तो भाग्य पर बड़े सारे ग्रहों का एक साथ प्रभाव पड़ने वाला है। अब इसके रिजल्ट्स को समझने के लिए आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बुध और शुक्र यहाँ पे आपकी कुंडली में इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है या फिर थोड़े कमजोर है, मान लीजिए अस्त है, तो उन दोनों का कम प्रभाव पड़ पाएगा बृहस्पति पे। और वहीं अगर सूर्य और बृहस्पति बलवान है तो फिर भाग्य में आपको अड़चनें कम आएंगी। मंगल बलवान है तो अगेन भाग्य में आपको फायदा होगा, भाग्य को बहुत मजबूत कर देंगे। तो हमेशा भक्तगणों यहाँ पर जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूँ वो ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। जब हम आपकी लगन कुंडली को देखें इसके साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है आपके ऊपर चलने वाली कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, कौन सी प्रत्यंतर दशा है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में आपकी आत्मा के कारक हैं, कौन से आपके अमात्य कारक हैं, इसी प्रकार कौन से ग्रह किन चीजों के कारक हैं आपके जीवन में, इन सभी बातों का एक साथ अध्ययन करने के बाद ही हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण है या कौन सा ग्रह इस समय पर बलशाली है जो अपने सबसे अधिक प्रभाव दिखाने वाला है। तो भाग्य में मैं कहूंगा कि इस समय पर मिला जुला प्रभाव यहाँ पर मेष राशि के जातकों को देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर कुंडली, उनकी कुंडली के आधार पर कौन से ग्रह मजबूत है, क्योंकि बहुत से ग्रहों का यहाँ पर एक तो बृहस्पति पर उनकी दृष्टि है, जैसे शनि हो गए। अब मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में बलवान है और शनि विपरीत अवस्था में, जैसे आप लोगों के लिए 11वें और दशम भाव के यहाँ पर स्वामी बनते हैं तो आप लोगों के लिए तो इतने विपरीत नहीं है, परंतु कोई और जातक हो तो उनके लिए शनि विपरीत हो सकते हैं, या फिर शनि अगर अपने शत्रु ग्रहों के साथ, जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ विराजमान हो आपकी कुंडली में, तो वो भाग्य में रुकावटें लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार जन्म कुंडली का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और इसलिए हम हमेशा अपने हर प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को यही सलाह देते हैं कि जीवन में आ रही परेशानियों का समाधान ज्योतिष के अति वैज्ञानिक शास्त्र में ही छुपा हुआ है। आपके जीवन में नौकरी में और कोई आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि जिसे खाओ और आपकी नौकरी लग जाए, परंतु ज्योतिष में वो संभावनाएं हैं
वो उपाय बताए गए हैं जिनसे आपकी नौकरी लगने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है, और अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त करते हुए हमने अपने शनि मंदिर के बहुत सारे भक्तों को देखा है। तो यदि आपकी भी अभिलाषा मनचाही नौकरी प्राप्त करने की है या अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की है, तो एक बार हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं। बात कर लेते हैं उस उपाय की जिसे करके सितंबर 2022 में होने वाले विपरीत ग्रहों के परिवर्तन से, जिसमें विशेष तौर पर शुक्र बुध और सूर्य की जो साथ में संगम हो गया है छठे भाव के अंदर, मेष राशि के जातकों के लिए जो सबसे कठिनाई की बात बन गई है, उसकी हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इसमें राहत आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी आपको यहां पर क्या सलाह होगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सफेद गाय को शुक्रवार के दिन, यहां पर आप उबले हुए आलू साथ साथ यहां पर एक रोटी या रोटियां उस पर थोड़ा सा घी लगा के आप सफेद गाय को शुक्रवार के दिन अपने हाथों से खिलाएं, सफेद गाय की पूजा करें, सफेद गाय की सेवा करें, उनको नहलाएं धुलाएं, तो ये आपके उनको चारा खिलाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय शुक्र के लिए साबित हो सकता है। अपने घर के अंदर दुर्वा घास रखने से भी शुक्र के संदर्भ में आ रही परेशानियों में आपको राहत प्राप्त हो सकती है। अब यहां पर क्योंकि बुध भी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं। बुध विशेष तौर पर यहां पर मेष राशि के जातकों के लिए एक मलिफिक यानी कि दुश्मन ग्रह बन जाते हैं, तृतीय और छठे भाव के ये स्वामी हैं। अपनी वक्री दशा में ये आपके लिए परेशानियों को जरूर उत्पन्न करेंगे। तो यहां पर बुध के लिए उपाय आपको बताने जा रहा हूं। बुध को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही रहता है कि आप कुआरी कन्याओं की सेवा करें। कुआरी कन्याओं के लिए बने जो शेल्टर होम्स हमारे देश में हैं, जहां पर कन्याओं को पढ़ाया जाता है या उनकी देखभाल होती है जो विशेष तौर पर घर से भाग जाती हैं या फिर अनाथ हो जाती हैं, उनके लिए यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सके तो इससे बुध देवता बहुत प्रसन्न है। तो कुआरी कन्याओं के पढ़ाई लिखाई के लिए यदि आप कोई भी दान देते हैं तो ये बुध को प्रसन्न करेगा। बुध देवता इससे प्रसन्न होकर आपके ऊपर आने वाली परेशानियों को हर लेंगे। इसी प्रकार बृहस्पति को मजबूत करने का एक उपाय आपको बताने जा रहा हूं। बृहस्पति देवता को यहां पर मजबूत करना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर यदि आपकी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग हो और उसमें परेशानियां आ रही हो जो कि शनि की वजह से आएंगी भी, तो आप येलो कलर के कपड़े पहनकर उस मीटिंग में जाएं, ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको उसमें सफलता मिले, अपने क्लाइंट्स को आप खुश कर सके और उनसे डील आप ले सके, आपको डील मिल सके, आपकी जो बिजनेस डील है वो पक्की हो सके। साथ साथ अपने साथ पीले रंग का रुमाल यदि आप रख लें, अगर आपके ऊपर पीले कपड़े, मान लीजिए कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि पीले कलर मेरे को सूट नहीं करता है या मैं पीले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जा सकता हूँ, तो उस स्थिति में पीले रंग का रुमाल अपने पास रख लें, इससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। चलिए वक्त, आज के इस प्रोग्राम को तो हम यहीं पर विराम देंगे। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भक्तगणों, जनता दरबार की सूचना दोबारा से आपको बता रहा हूँ, रविवार के दिन आकर कोई भी भक्तगण मुझसे मुफ्त में ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकता है। 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में ये जनता दरबार आपकी सुविधा के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पर भारी से भारी संख्या में आकर इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग फायदा उठाएं।
अधिक डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए भक्तगणों, भगवान विष्णु से, माता महालक्ष्मी जी से मेरी यही प्रार्थना होगी, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव निवास करे। इसी मनोकामना के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय देव।